गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिग्मा मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। इसमें आप लोग को आज पढ़ना है जो नोट्स भेज दिए हैं पीछे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन। क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो एट टाइप्स हैं, आठ है, उसको अपने को देखना है, उसको जानना है इन डिटेल। उसको बाद में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में नाउन से फिर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले क्या है, इसमें आठों को जानते हैं थोड़ा बेसिकली इंट्रोडक्शन टाइप, ठीक है। इसीलिए टॉपिक का नाम क्या दिया, इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, क्या दिया नाम, इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो लिखा क्या कि एक सेंटेंस में पार्टीशन के हिसाब से, वर्ड के यूज के हिसाब से, वर्ड के बनावट स्ट्रक्चर के हिसाब से, एक सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं उसको एट काइंड्स में, इन सेंस आठ भाग में बांटा गया, ठीक है। क्या लिखा क्या कि एज पार्टीशन ऑफ सेंटेंस वर्ड इज यूज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स। इट मीन्स समझना क्या है अपने को कि जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, इसको, ठीक है, इसी को जो है, ये सारा जो क्या है, वर्ड है, क्या है, वर्ड है, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एंड सो ऑन, जो भी आगे है वो क्या है, वर्ड है। क्या है, वर्ड। और वर्ड को हम लोग जानते हैं कि कंबाइन जब करते हैं, मिलाते हैं, तब जाकर के क्या बनता है, तब जाकर के बनता है अपना एक सेंटेंस। और लिखा क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि सेंटेंस को जब हम पार्टीशन करते हैं, उसको बांटते हैं किस हिसाब से, वर्ड के यूज के हिसाब से, वर्ड के बनावट के हिसाब से, तभी उसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उसके आठ जो भाग हैं वो हैं आपके नाउन, फर्स्ट वन, प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। ये एक बाबू क्या है ना, ये एक प्रॉपर ऑर्डर में है। क्या है, ये एक प्रॉपर ऑर्डर में है, ठीक है। इसमें अपने लोग को आज देखना है कि कैसे इसको पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला क्या है अपने यहां, नंबर वन नाउन। क्या है बाबू, नाउन, इसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। लिखा क्या, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, इन सेंस जिस वर्ड से किसी के भी नाम के होने का, वस्तु के होने का पता चलता हो, उसका कोई ये हो कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पर्सन, प्लेस और थिंग्स का जो नाम है, नेम है, उसी को हम लोग नाउन कहते हैं। तो क्या है बाबू कि नाउन प्रोनाउन तक तो सही है, आगे जब चलते हैं हम लोगों से मिसलीड हो जाता है। क्या हो जाता है, मिसलीड हो जाता है। इसको याद करने का एक ट्रिक बनाया हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, फिर आगे सोन इस पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। पहला है क्या, नाउन है तो किसी तरह का क्या है, नाम है, क्या है, नेम। कोई दिक्कत, आगे फिर देखेंगे। नाम में क्या हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, एस राम, ओके। नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है प्लेस, कोई प्लेस का जो है ये भी नाम हो सकता है। उसके बाद थिंग्स, ठीक है, टेबल, चेयर वगैरह, प्लेस में जगह का नाम। एक नेक्स्ट चीज हम लोग को समझना है कि कोई भी इमोशन भी जो होगा, भाव प्रकट करने वाले वर्ड्स, फीलिंग्स बताने वाले वर्ड्स, उनको भी हम लोग नाउन की तरह ही रखते हैं। फिर डेफिनेशन बनता क्या है, नोट्स में भी आप लोग पढ़े होंगे कि
किसी भी चीज को जिसको भी हम लोग नाम दे सकते हैं वो नाम के अंदर आएगा। किस चीज के अंदर आएगा बाबू? नाम के अंदर आएगा। तो लिखा क्या? नाम इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया, इमोशंस एटसेट्रा। ठीक है। उसके बाद नाम का यूज हम लोग किस चीज के तौर पे कर सकते हैं? जनरल सब्जेक्ट के तौर पे, जैसा पहले बताया। देखो ग्रामर जो है ये एक बेसिक पार्ट पे आगे चलते जा रहा है। पहले वर्ड्स बताया आपको, फिर उसके बाद वर्ड्स को फिर बांटा सेंटेंस, सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और फिर सेंटेंस से ही यह है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। आगे क्या है? नाउन के बाद इसका काइंड्स में आना है। इसका डिटेल जब हम लोग करेंगे तो इसका काइंड्स पढ़ना है। उसके बाद नाउन के अंदर ही चैप्टर पढ़ना होता है अपने को नंबर, जेंडर एंड केस। क्या? नंबर, जेंडर एंड केस। तो ये एक बारी बारी से क्या है इसको समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक से जो स्टार्ट होगा नाउन, वहां से उसके अंदर हम लोग इसका काइंड्स पढ़ेंगे, उसका यूज पढ़ेंगे, और उसके बाद उसी चैप्टर के अंदर नाउन हो जाएगा, जेंडर हो जाएगा एंड केस हो जाएगा। ठीक है। आगे क्या था? प्रोनाउन था। आइए, क्या होता है कि कोई नाम है उसके बदले अगर हम लोग कोई वर्ड यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? प्रोनाउन कहेंगे। एक चीज ध्यान रखेंगे, जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं जो अभी फिलहाल ग्रुप में ऐड नहीं है, उनको अगर इसका नोट्स चाहिए या कोई स्टडी मटेरियल चाहिए रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट, तो आप लोग यहां पे कॉन्टेक्ट नंबर हमने लिख दिया है। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था, न्यू स्टूडेंट्स का या जो स्टूडेंट ग्रुप में नहीं है कि सर हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं, तो ये दोनों व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कभी भी आपको नोट्स अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है प्रोनाउन? प्रोनाउन में क्या बताया है कि नाम जो हम समझे नाउन को, नाउन के बदले अगर कोई वर्ड आ रहा है, वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है। इज कॉल्ड व्हाट? प्रोनाउन। सेम चीज यहां पे लिखा, जैसे ही हो गया आपका थर्ड पर्सन में, सी हो गया, इट हो गया, यू हो गया, दे हो गया एटसेट्रा। ये सब चीज जो है, सो क्या है अपना, ये सब चीज है आपका प्रोनाउन। ठीक है। जैसे राम इज गोइंग, प्लेस है राम इज गोइंग, तो राम के बदले हम लोग ही का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ही का। तो राम नाउन है तो ही क्या हो गया अपना? प्रोनाउन हो गया। क्या प्रोनाउन हो गया? ही। नेक्स्ट आगे क्या करना है हम लोगों को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पे ट्रिक क्या था कि कोई बंदा है, कोई भी बंदा है अपने पास जिसका कोई नाम है, एक लड़के को ही ले लेते हैं कोई भी नाम, तो कोई बंदा है अपने पास, उसमें क्या बताया कि उसका कोई नाम है, फिर क्या कर रहा है अपने नाम के इंस्टीड, अपने नाम के जगह पे प्रोनाउन ले रहा है, कुछ दूसरा वर्ड ले रहा है तो उसको प्रोनाउन बोल दिया। पहला यहां क्या बताया आपको? नाउन बताया। उसके बाद दूसरा क्या बताया आपको? प्रोनाउन बताया। नाउन के बदले जो आ रहा है वर्ड प्रोनाउन आ रहा है। अब कोई व्यक्ति है बाबू, कोई बंदा है, उसका कोई नाम है, वो अपने नाम के बदले कोई चीज ले रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी होगा। क्या? कुछ ना कुछ क्वालिटी होगा, कोई ऐसा प्रॉपर्टी होगा जो उसको दूसरों से भिन्न करता होगा, दूसरों से अलग बताता होगा।
उसी चीज को बताने के लिए हम लोग थर्ड वर्ड पढ़ते हैं एडजेक्टिव। क्या पढ़ते हैं बाबू? एडजेक्टिव पढ़ते हैं। उसमें क्या है ये सारा चीज, फिर इसका प्रोनाउन का भी काइंड से इसको चलेंगे। एडजेक्टिव हो गया तो क्या बताया यहां पे, एडजेक्टिव को जनरली बोला गया क्वालिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। क्या बताया? क्वालिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। अब आइए, हम हैं, आप हैं, जैसा बताया अभी, एक बंदा है, एक स्टूडेंट है, उसमें कोई क्वालिटी है क्या? चलो उसमें झूठ बोलने की क्वालिटी है। अगर होमवर्क करके नहीं लाया तो ऐसा क्वालिटी है उसमें कि अपने को मैनेज कर लेगा झूठ बोल करके। मुझे भी पता है कि वो करके नहीं लाया, वो तो जानता है कि मैं किया नहीं हूं, फिर भी बताया क्या, उसमें ये क्वालिटी आ गया झूठ बोलने का। तो गुड हो बैड हो इससे कोई मैटर नहीं करता। ऐसा वर्ड जो नाउन को, मतलब जो सब्जेक्ट है नाउन है अपना, उसमें कोई क्वालिटी ऐड करता हो, दूसरों से अलग बताता हो, तो वही जो है सो क्या हो जाता है अपना, एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? एडजेक्टिव हो जाता है, क्वालिटी। ठीक है, स्विंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ओके, क्वालिटी सेइंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। यहां तक तो समझ गया, आगे क्या बताया कि एडजेक्टिव में फिर क्या चैप्टर्स आएंगे, तो इसमें भी पढ़ना होगा अपने को डिग्री। क्या पढ़ना है? डिग्री है। टेंथ क्लास में जो स्टूडेंट हैं हमारे, इस टॉपिक को ध्यान में रखेंगे, पॉजिटिव कंपरेटिव एंड सुपरलेटिव का जो इंटरचेंज है उसमें एरर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो ये मोस्ट टॉपिक है हमारे टेंथ वालों के लिए। नाइन्थ वाले लोग को अभी से प्रिपेयर होके रहना है कि नेक्स्ट जो है सो इसको दिक्कत ना हो पढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट आएगा अपना, इसके बाद क्या आता है? वर्ब आता है। क्या आता है बाबू? वर्ब आता है। वर्ब पहले भी बता चुका हूं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बताया था फॉर्मेशन का, उसमें वर्ब समझ चुके हैं कि डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। क्या? डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। इन सेंस क्या हो? ऐसा वर्ड जिससे किसी काम के होने का बोध हो, जिससे किसी काम के होने का पता चले, एक्शन का पता चले, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। देखो रिलेट हो रहा है, क्या हो रहा है? नाम है किसी बंदा का, वो अपने बदले कोई नाम ले रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि उसमें कुछ क्वालिटी है, तो क्वालिटी सोइंग वर्ड्स आर को क्या कह रहा है अपना, कि एडजेक्टिव है। कोई बंदा है, नाम है उसका, उसके बदले कुछ ले रहा है, चलो हुआ राम के लिए हुआ लिया था, वह जा रहा है ऐसा। ठीक है, उसमें कुछ क्वालिटी है, राम एक अच्छा लड़का है, दूसरों से अलग कर रहा है, राम एक अच्छा लड़का है। अब आया भर, भाई जो नाम है अपने बदले कुछ ले रहा है, कुछ क्वालिटी विशेष है उसमें, कुछ तो वो करता होगा जिससे ये पता चला कि वो अच्छा लड़का है। क्या? आप अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो कुछ तो क्वालिटी होगी आप में। क्या करते हैं जिससे ये पता चलता है कि आप अच्छे हैं? ठीक है, क्या करते हैं जिससे ये पता चलता है कि आप अच्छे हैं, उसी चीज को बताने के लिए हमारा आगे आ गया वर्ब। क्या आ गया हमारा आगे? वर्ब आ गया। तो वर्ब को कहते हैं डूइंग वर्ड्स। क्या कहते हैं? डूइंग वर्ड्स। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, नोट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, कोई इश्यू होने पे पूछ सकते हैं किसी भी चीज को। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड क्या? वर्ब। एंड इसमें बताया क्या कि ये जो नाउन है यही कोई काम कर रहा है। अब आइए, क्या था बाबू कि ये जो एडजेक्टिव था ये क्या कर रहा था? नाउन या प्रोनाउन को क्या कर रहा था? क्वालिफाई कर रहा था। क्या कर रहा था? क्वालिफाई कर रहा था। नेक्स्ट वर्ड वर्ब के बाद क्या आ जाता है? वर्ब के बाद अपने पास आता है एडवर्ब। क्या? एडवर्ब। देखो वर्ब एडवर्ब इन सेंस क्या, हमारे काम में, हमारे एक्शन में, हमारे डूइंग वर्ड्स में अगर कोई चीज ऐड हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एडवर्ब। क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। नेक्स्ट क्या है समझना इसमें कि क्या है ना, एक एडवर्ब जो है हमारे नाउन और प्रोनाउन का भी क्वालिफाई कर सकता है।
ठीक है, उस वक्त उसको हम लोग एडजेक्टिव के तौर पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है बेसिकली बताया क्या, क्वालिफाइज वर्ब अपना जो लेवल है अपना स्टैंडर्ड जो है उसमें हम लोग को ये जानना है कि एडवर्ब क्या क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को। कोई काम आप कर रहे हैं तो उसको आप किस स्टैंडर्ड में कर रहे हैं, उसका क्वालिटी क्या है, वर्ब का क्या क्वालिटी है, कोई जो काम कर रहे हैं उसका क्वालिटी है। लिखा क्या, राइट विल, ये राइट विल इन सेंस क्या कि हमारा जो काम है, गो स्लोली, गो स्लोली, हमारा जो काम है उसको अगर क्वालिफाई किया जा रहा है किसी वर्ड्स के द्वारा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब। ठीक है, यहां पे अभी तक हम लोग जाने क्या क्या जाने कि पहला नाउन था, उसके बाद प्रोनाउन था, थर्ड वन जाने एडजेक्टिव कि कोई बंदा है उसका जो है सो कोई नाम है, नाम के बदले भी कोई चीज ले रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी, उस क्वालिटी को बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज किया हमने। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वो जब क्वालिटी है उसमें कुछ ना कुछ तो करता होगा, तो किसी काम को करने के लिए हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन क्या बताया कि नेक्स्ट वन बताया वर्ब जो है ये, इसको जब हम लोग क्वालिफाई करेंगे तो इसी को हम लोग एडवर्ब लिखेंगे। ये बाबू क्या है ना, ये बेसिक चीज है, 4-5 का चीज है, 4-5 स्टैंडर्ड का चीज है, बेसिक चीज है, अपने को इसको बस नॉलेज के लिए रखना है। बेसिकली जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जैसा अभी बताया, ठीक है, और इस सब का फ्रेज पढ़ा जाएगा, एंटोनिम सिनोनिम्स और वर्ड मीनिंग के लिए इस सब का फ्रेज भी जाना जाएगा, फ्रेज को आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, एक सेकेंड, आपको नेक्स्ट देखना क्या है, एडवर्ब हो गया है तो नेक्स्ट है क्या, कोई बंदा अगर नाम है उसका, वो अपने बदले कोई चीज ले रहा है, नाम की जगह प्रोनाउन, कोई क्वालिटी है तो एडजेक्टिव, कोई काम कर रहा है तो उसके बाद क्या है, वर्ब। एंड नेक्स्ट वर्ब को क्वालिफाई अगर कर रहा है तो वो हो गया आपका एडवर्ब। नेक्स्ट वन क्या है कि हमारा कंजक्शन क्या है, कंजक्शन है, इसको हम लोग क्या जानते हैं, ऐसा चीज जो लिंक करता हो, किसी चीज को जोड़ता हो, कंबाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन। क्या बोला, कंजक्शन। देखो क्या है ना, ये क्या किया, एकदम सीरियल ऑर्डर में आप माइंड में बैठाइए, नाम है उसके बाद क्या है, प्रोनाउन है उसके बदले आया, उसको क्वालिफाई किया है एडजेक्टिव, काम किया वर्ब, डूइंग वर्ड्स एडवर्ब, इसको क्वालिफाई किया। ये सब चीज जब हो रहा है, कोई काम कर रहा है तो किसी ना किसी चीज को जो जोड़ता होगा, क्या करता होगा, किसी ना किसी चीज को जोड़ता होगा, तो उसी को लिखा लिंकिंग वर्ड्स। क्या बोला, लिंकिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन। ठीक है, कंबाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन। ठीक है, इसके अंदर आ गया अपना एंड आ गया, इसी तरह से जो हम लोग सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, जब कोई सेंटेंस को हम लोग जोड़ने का काम करते हैं तो उस जोड़ने के लिए हम लोग को कंजक्शन का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट वन क्या है अपना, नेक्स्ट वन है प्रीपोजिशन में क्या है, नेक्स्ट एकदम यहां से उठाइए, यहां से कंजक्शन से, किसी चीज को हम लोग जोड़ने के बाद क्या बनता है, रिलेशन। क्या बनता है, किसी चीज को जोड़ने के बाद क्या बनता है, रिलेशन बनता है, तो रिलेशन शोइंग वर्ड्स। ठीक है, क्या है, रिलेशन शोइंग वर्ड्स, जिस वर्ड से हम लोगों के सेंटेंस में कोई तरह का रिलेशन शो हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इसका काइंड्स भी पढ़ेंगे, यूज के हिसाब से इसको काइंड्स में बांटा गया, टाइम के लिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद किसी काम के होने के लिए प्लेस वगैरह वगैरह जो भी है, आगे स्पेशल यूज है प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन फ्रेज, इसको भी अपने को देखना होगा। क्या बताया अभी कि यहां से आया कंजक्शन तक 6 में, आगे 7 नंबर में आएगा अपना क्या, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो लास्ट क्या है अपना,
लास्ट यहां से इसको मिटा देते हैं, लास्ट क्या है यहां लिख देते हैं फ्रेज, ठीक है, यहां लास्ट क्या आएगा इंटरजेक्शन। जनरली इंटरजेक्शन को हम लोग समझेंगे किस चीज से, एक्सक्लामेटरी इंपरेटिव सेंटेंस, किस चीज से एक्सक्लामेटरी इंपरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस में जो हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस में देखे थे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जो हम लोग देखे थे अपना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस, उसमें जो वर्ड्स आते हैं स्पेशल वर्ड्स उसको हम लोग रखे हैं किस चीज में रखे हैं, तो उसको हम लोग रखे हैं इंटरजेक्शन के अंदर। किस चीज के अंदर बाबू? इंटरजेक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसमें बताया क्या कि कोई भी चीज, कोई भी वर्ड प्रॉपर वे में हम देखते आ रहे हैं, क्या हुआ, नाम है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, नाम है कोई बदले में ले रहा है प्रोनाउन, कोई क्वालिटी है एडजेक्टिव, कोई काम कर रहा है वो बंदा भर, एक ही लड़के पे है ये सेंटेंस जो है, एक ही लड़के पे, ठीक है, वो काम कैसा कर रहा है, अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, कुछ क्वालिटी ऐड हो रहा है, ऐड भर, ठीक है। उसके बाद किसी चीज को जोड़ रहा होगा क्या, तो जोड़ने वाले को हमने कहा कंजंक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या बताया, प्रीपोजिशन बताया, प्रीपोजिशन को रिलेशन स्विंग वर्ड्स कर, जब जोड़ा किसी को तो रिलेशन बनेगा, तो ये समझने के लिए रिलेशन बनेगा तो प्रीपोजिशन बोलेंगे इसको। उसके बाद क्या, जब रिलेशन बचा बना तो कुछ ना कुछ तो सडन एक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो सडन एक्शन होगा, तो ये सडन एक्शन जो है इसी को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरजेक्शन का यूज करते हैं, जिसके अंदर आता है लास्ट, ओ एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही कुछ वर्ड हुरा आ गया, ठीक है, तो ये इमोशन शोइंग वर्ड्स, इसको एक और भी कह सकते हैं इमोशन शोइंग वर्ड्स, इमोशन शोइंग वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन, क्या आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। तो ये क्या बताया हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन आप लोग को बताया। नेक्स्ट इसको हम लोग नाउन से स्टार्ट करेंगे, जैसा टॉपिक क्लियर करते गए उसी तरह से उसको करते जाएंगे। वर्ब्स पे जब हम लोग आएंगे, यहां से हमारा टेंस आएगा, इसी जगह से हमारा जो फंक्शनल ग्रामर है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो घबराने का नहीं है कि सर टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, वॉइस नहीं पढ़ा रहे हैं, नरेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सब आएगा, लेकिन एक थोड़ा सा बेसिक चलते हैं, ठीक है, उसके बाद। लेकिन ध्यान रखेंगे नोट्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे, उसमें जो वर्क है उसको वर्क को करेंगे, ठीक है। लिखा गया है प्रोवर्ब, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जो है सो ज्यादा हेल्प मिलेगा। ओके, आइए आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल, हर एक लेकर के एक एक दो दो एग्जाम्पल को समझते हैं, क्या है कैसे है कैसे पहचानेंगे, ठीक है। फिर आगे जो है अपना यहाँ पे देखना क्या है, जैसे एट टाइप्स पढ़े हैं आप अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कितना, आठ। आठ में पहला क्या था, तो पहला नाउन, किसी का नाम जिसमें आए उसको नाउन बोलते हैं। तो क्या है, देखो यहाँ पहला एग्जांपल हमने क्या लिया, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। देखो फ्रेंड कौन है, फ्रेंड कौन है, कौन है, राम। फ्रेंड कौन है, राम है। तो राम यहाँ पे किस चीज का काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट भी काम कर रहा है, एज अ किसके द्वारा काम कर रहा है, सब्जेक्ट में, लेकिन है क्या, किसी का नाम है। तो नेमिंग वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स को, नाउन। एंड सेकेंड सेंटेंस यहाँ पे है, इसमें है दिस इज अ चेयर, यहाँ पे चेयर जो है क्या है, मेटेरियल नाउन में आएगा, थिंग्स का शो कर रहा है। बताया ना कि नाउन जो होता है किसी पर्सन प्लेस और थिंग का नाम होता है, तो थिंग का नाम में जो है सो ये चेयर हो गया आपका। सेकेंड वन था आपका क्या, प्रोनाउन, प्रोनाउन में था कि नाम के जगह पे जो आ जाए, तो बताया था ही सी इट करके, तो यहाँ पे क्या लिखा, ही इज द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। सपोज करो जो तुम्हारे क्लास का मॉनिटर है उसका नाम रख दो यहाँ पे, कुछ भी ही है, ही के लिए बॉयज का कोई नाम रख दो, सपोज दैट रणबीर रख दो, सॉरी सपोज दैट रणवीर रख देते हैं, तो रणवीर इज द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, ऐसे बता रहे हैं। लेकिन उसको अगर मॉनिटर करके बता रहे हैं ऐसा कि वही है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग कर सकते हैं कि रणवीर इज द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। सेकेंड, वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या है, वी आर स्टूडेंट्स। अब बताइए वी किसके लिए आया, तो हम लोग जो एक समूह में है तो उनको बताने के लिए, ठीक है,
हम लोग क्या है तो स्टूडेंट्स हैं, वही क्या हो गया यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका एडजेक्टिव था, बताया था कि कोई नाम है वो अपनी जगह पे प्रोनाउन ले रहा है तो कुछ ना कुछ क्वालिटी होगा। क्वालिटी बताने के लिए हम लोग क्या क्या जानते हैं एडजेक्टिव, तो यहाँ पे देखो क्या है, द लेजी डॉग कैन नॉट प्ले, ठीक है, द लेजी डॉग कैन नॉट प्ले, क्या है डॉग, क्या है ये डॉग, लेकिन कैसा है, इसमें वेरिएंट आ रहा है, कुछ अलग बताया जा रहा है, उसका कुछ विशेष जो है सो ये है। तो इसको बताने के लिए क्या कर रहे हैं, लेजी डॉग, लेजी क्या हो गया यहाँ पे, तो लेजी हो गया अपना एडजेक्टिव हो गया। पहचानने के लिए बोले है कि सेंटेंस में पहचानिए हम लोग कि ये क्या है, ये क्या है वर्ड्स वाइज, तो स्ट्रक्चर जब भी दिया रहेगा सेंटेंस का उसमें हम लोग इसी तरह से पहचानेंगे कि कौन सा नाउन है कौन सा एडजेक्टिव ऐसा। तो क्या है द लेजी डॉग, कैसा डॉग है ये, डॉग क्या है नाउन है, क्या नाउन है, और डॉग कैसा है तो लेजी है, लेजी क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद देखिए डू यू टेक बाथ इन कोल्ड वाटर, देखो यहाँ पे डू यू टेक बाथ इन कोल्ड वाटर, तो यहाँ पे क्या बताया अपना कि वाटर कैसा है, ठीक है वाटर कैसा है कोल्ड, कोल्ड क्या हो गया यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज किसी में क्वालिटी है तो वो कुछ ना कुछ कर रहा होगा, कुछ ना कुछ करता होगा, कोई ना कोई काम करता होगा, तो बताया डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, तो उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे अब काम के होने का बोध किस वर्ड से होता है, तो लिखा क्या यहाँ पे देखेंगे, लिखा क्या आई बॉट ए वॉच, आई बॉट ए वॉच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बाय का बॉट बना है, बाय का बॉट बना है, पास्ट में है बाय का बॉट बना है, तो बॉट यहाँ पे हो गया क्या वर्ब हो गया, आई क्या हो गया, आई क्या हुआ बाबू, आई यहाँ जो बताया प्रोनाउन ही सी इट आई ऐसा, उसके बाद यहाँ पे बॉट आपका वर्ब का पास्ट फॉर्म हो गया, और उसके बाद क्या है वॉच क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट इन सेंस की नाउन हो गया वॉच मेटेरियल नाउन में, और उसके बाद ये जो है पहले बताया था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में कि अगर ऑब्जेक्ट आता है या सब्जेक्ट तो इनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट या इनलार्जमेंट ऑफ क्या, इनलार्जमेंट ऑफ प्रेडिकेट, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के तौर पे है आई बॉट ए वॉच, तो वॉच को इनलार्ज कर रहा है ए। जब बेसिकली आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ए को भी हम लोग एज एडजेक्टिव ही यूज करते हैं, आर्टिकल को एडजेक्टिव में ही मानते हैं क्योंकि वो भी जो है सो आपको किसी चीज को क्वालिफाई करता है, जैसे कि वॉच है फिक्स कर दिया उसमें वेरिएंट ला दिया कि सिर्फ वही वॉच, ठीक है एक वॉच सिंगल वन। नेक्स्ट है द गर्ल रोट अ लेटर, नेक्स्ट क्या है द गर्ल रोट अ लेटर, सेम है राइट का रोट बना है, किसका बना है राइट का रोट बना है, लिखा क्या लेटर लिखा, कौन लिखा गर्ल लिखा, तो क्या हुआ द गर्ल ए लेटर, द गर्ल ए लेटर, लेकिन यहाँ पे समझना क्या है रोट है, तो रोट क्या हो गया हमारा डूइंग वर्ड्स हो गया, इंसेंस क्या हो गया वर्ब का पास्ट हो गया, मेन वर्ब जो हो गया सो वो राइट हो गया। नेक्स्ट वन क्या है वर्ब हो गया तो काम कैसे करते हैं उसको बताने के लिए हम लोग एडवर्ब का यूज करते हैं, तो ही रन्स फास्ट, देखो यहाँ ही रन्स फास्ट कैसे चलता है दौड़ता है, तो ही रन्स फास्ट इन सेंस क्या कि वो जो रनिंग है इसका वर्ब है, इसमें कुछ ऐड कर रहा है उसको क्वालिटी मिला रहा है कि वो फास्ट रन कर रहा है ऐसा, तो फास्ट हो गया आपका क्या एडजेक्टिव हो गया। फिर नेक्स्ट है ओनली राम हैज पास्ट, देखो यहाँ से इसको ढक दो तो क्या लिखा हुआ मिलेगा राम हैज पास्ट, क्या लिखा हुआ मिलेगा बाबू राम हैज पास्ट, लेकिन उसमें कुछ वेरिएंट ला दिया पास्ट में, बताया क्या कि सिर्फ जो है सो कौन पास्ट किया है तो ओनली राम, सिर्फ और सिर्फ राम, तो ये क्या कर दिया एडवर्ब जो है पास्ट उसको जो है सो क्वालिफाई कर दिया, इसीलिए वो किस चीज के अंदर चला गया एडवर्ब के अंदर चला गया। नेक्स्ट वन बताया था हमने कंजंक्शन जिससे दो चीज को जोड़ा जाता है, तो वही बताया यहाँ पे सीता एंड गीता, देखिए यहाँ पे एंड किस चीज का काम कर रहा है, यहाँ पे सीता एंड गीता दोनों जो है सो क्या है नाउन है, सीता एंड गीता दोनों नाउन है, आर वर्ब के तौर पे आ गया, वेटिंग भी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ये मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाएगा बिफोर में, एंड फॉर यू यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद क्या कि एंड जो है सीता और गीता ये दो सेंटेंस हो गया, इसको अगर ऐसे समझना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए लिख दिया हमने कंजंक्शन के लिए सीता इज वेटिंग फॉर यू, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने सीता इज वेटिंग फॉर यू, देखिए यहाँ सीता इज वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट वन क्या था गीता इज वेटिंग फॉर यू, गीता इज वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट तो इसी को क्या कर दिया इज दो
प्लूरल हो गया, दो को जब हम जोड़ देंगे तो एक से ज्यादा हो गया, भर प्लूरल आएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग किस चीज का यूज किए, हम लोग जो है सो आर का यूज किए और सीता और गीता को हम लोग क्या कर दिए, एंड से जोड़ दिए। तो यहाँ पे जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। इसीलिए हम लोग एंड को क्या बोलेंगे, एंड को हम लोग बोलेंगे कंजंक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो दो सेंटेंस है, राम इज स्टडिंग, क्या है राम इज स्टडिंग, इन सेंस क्या वो पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। लेकिन सेकेंड सेंटेंस क्या है, हिज ब्रदर इज वेस्टिंग हिज टाइम, ये दो सेंटेंसेस को एंड के द्वारा जोड़ दिया गया। देखो यहाँ पे राम इज स्टडिंग एंड हिज ब्रदर इज वेस्टिंग हिज टाइम, ठीक है। तो एंड से इसको जोड़ करके दोनों सेंटेंस को लिंक किए हैं, इसी वजह से उसको यहाँ पे एंड को हम लोग क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, प्रीपोजिशन। बताया गया जब दो चीज से जुड़ेगा तो कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा। इसको समझने के लिए नॉर्मल बुक्स में आप देखिएगा, प्रीपोजिशन को पहले पढ़ाया जाता है, कंजंक्शन को बाद में, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले कंजंक्शन को पढ़ते हैं फिर प्रीपोजिशन को बाद में, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखा प्रीपोजिशन में, ही इज इन द प्ले ग्राउंड। देखिए यहाँ पे समझना पड़ेगा, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर मेन वर्ब ऑलरेडी नहीं है किसी सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब माना जाता है। तो इज जो है यहाँ बी का फॉर्म है, इज किसका फॉर्म है, बी का फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, ही इज इन द प्ले ग्राउंड, बता रहा है, रिलेशन शो कर रहा है वो कहाँ है, कहाँ पे है, ठीक है। तो रिलेशन हमको किस चीज से समझ में आ रहा है, इन से। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्रीपोजिशन बोलेंगे। सेकेंड सेंटेंस में क्या है, सीता सिट्स, देखो यहाँ सीट का सिंगुलर फॉर्म हो गया वर्ब का सिट्स, गीता जो है सिंगुलर नाउन है, ठीक है। अंडर द ट्री कहाँ पे है, बैठती है, कहाँ बैठती है, तो अंडर द ट्री रिलेशन बता रहा है वो कहाँ बैठती है, सीता कहाँ बैठती है, सॉरी गीता कहाँ बैठती है, तो रिलेशन बता रहा है कि अंडर द ट्री कहाँ बैठती है, ट्री के नीचे। तो प्रीपोजिशन तक हम लोग यहाँ भी समझे। उसके बाद लास्ट क्या था, इंटरजेक्शन, सडन एक्शन या कोई इमोशन या कोई फीलिंग को बताने के लिए हम लोग जो वर्ड्स का यूज करते हैं वो प्रीपोजिशन के तहत आता है। तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, ठीक है। हुर्रा वी हैव ऑन द मैच हियर, हुर्रा जो है किस चीज को शो कर रहा है, जॉय को शो कर रहा है कि हम लोग जो है सो क्या कर चुके हैं, मैच जीत चुके हैं, ठीक है। क्या कर चुके हैं, मैच जीत चुके हैं। देखिए यहाँ पे हेलो हाउ आर यू, आप किसी को पूछ रहे हैं जानने के लिए कि हाउ आर यू, तो हेलो को संबोधन होना चाहिए। ये भी जो है सो आपका फीलिंग है, आप उसे पूछ रहे हैं, इसी वजह से हेलो हाउ आर यू में हेलो को हम लोग किस चीज के अंदर रखेंगे, इंटरजेक्शन के अंदर रखेंगे, ठीक है। अभी जो है सो आप लोग इसको इंट्रोडक्शन बेसिस पे समझे हैं। नेक्स्ट वन जो नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक जाएगा उसमें हम लोग नाउन में जानेंगे जेंडर, केस और नंबर, और नाउन का जो काइंड्स है पांच उसको, ठीक है। और लिटरेचर सेक्शन का भी जो है वो भी वीडियो अंडर प्रिपरेशन है, आप लोग को वो भी बहुत जल्द जो है सो भेज दिया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।